कटनी के रंगनाथ थाना क्षेत्र बरगवा का एक जेसीबी का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी ट्रेंड में आया हुआ है। दरअसल सोमवार को 5:30 बजे के आसपास कटावे घाट मोड़ के पास एक जेसीबी चालक एक युवक के ऊपर जेसीबी का बकेट गिराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहरहाल वीडियो में जो युवक दिखाई दे रहा है वो अतुल तिवारी नाम का युवक है, जो भट्टा मोहल्ला वंश स्वरूप पाटकर निवासी है, जिसे देर शाम जिला अस्पताल इलाज हेतु लाया गया, जहाँ उसका जारी है। वहीं इस मामले में रंगनाथ थाना प्रभारी नवीन नामदेव ने बताया कि शाम को हमें जानकारी लगी थी कि एक जेसीबी चालक ने एक युवक को टक्कर मार दी है, जिस पर तत्काल मौके पर टीम भेजी गई और घायल युवक को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां घायल युवक का उपचार जारी है। बहरहाल इस घटना के पूरे मामले की पुलिस जाँच कर रही है। पीबीसी के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। क्या हो गया आपके साथ? जी, मैं काम से आया घर, तो मेरे घर के पास रोड का वो काम चल रहा था, सार्वजनिक जो रोड है हमारे घर के पास की, तो मैंने उससे बोला कि भैया थोड़ा सा अच्छे से इसको लेवल करना। तो वो मेरे को बोलने लगा कि तू कहीं का नेता है कभी, हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। तो उतने में मैंने उसको सुन नहीं रहा था, तो मैंने गाड़ी के ऊपर चढ़ के बोला कि बड़े भाई गाली वाली से बात नहीं, अच्छे से बात करो। तो उतने में मेरे को ले गया गाड़ी में मडगार्ड पे आगे से सीधा भैया बरगमा कटाई घाट मोड़, वहाँ पे ले जाके एकदम गोल गोल घुमाया है मेरे को। तो मैं गिर गया नीचे, तो मैं एक उठाया पत्थर गाड़ी रुकवाने के लिए, तो एक पत्थर जैसे ही मारा उसके कांच में, तो उसने अपना बोनट ने मेरे पीठ में मतलब कमर पास रख दिया, तो मैं दब गया उसी में तुरंत। क्या दिक्कत हुई है आपको? तो उससे सर ना मेरा पैर काम कर रहा है, ना मेरी कमर काम कर रही, मैं मतलब उठ भी नहीं पा रहा हूँ, ना अपने पैर हिला पा रहा हूँ, और ये मेरे चेहरे में चोट आई है और सर में 5-6 जगह चोट है। तो को मारने की कोशिश कर रहे थे? जी, पूरा मेरे ऊपर बोनेट ही वो रख दिया। तो सर तो ये तो मारने की साजिश हुई ना जान से। कितने बजे की घटना है ये? 4:30 बजे की घटना है। कौन जेसीबी वाला, जानते हैं? हाँ, बिल्लू तिवारी की जेसीबी थी और उसी के ऑफिस के सामने ही मेरे ऊपर बोनट पटका है। आपका क्या नाम है? अतुल तिवारी। कहाँ रहते हो आप? भट्टा मोहल्ला वंशरूप बाट। कल करीब 6-7 बजे की घटना है शाम की। हमको सूचना प्राप्त हुई वहाँ के लोकल लोगों से कि यहाँ पे एक जेसीबी वाले ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी है। तत्काल हमने वहाँ पे पुलिस स्टाफ को भेजा और उसके बाद हमारे स्टाफ ने स्थानीय लोगों की मदद से उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। और हॉस्पिटल में उस समय पर भी हमारे स्टाफ ने बयान लेने की कोशिश की, लेकिन उस समय व्यक्ति नशे की हालत में प्रतीत हो रहा था, तो उस समय तत्कालीन उसके बयान नहीं हो सके हैं। उसके बाद आज हमने उसके फिर से बयान लिए हैं और उसके बयानों के आधार पर हमने मामला पंजीबद्ध किया है। मामला यही मारपीट का और उनका कुछ पुराना विवाद था, उसी के संबंध में मामला हमने बनाया है। तो जैसे वीडियो में दिख रहा है कि हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, बकायदा बकेट उसके ऊपर पटकी जा रही है। अभी वीडियो के सारे एंगल्स को हम तस्दीक कर रहे हैं, क्योंकि उसमें उस व्यक्ति ने खुद भी बोला था कि मैंने पत्थर से उसको हमला किया तो वो मेरे ऊपर टिकट को रख दिया था। अभी अलग अलग एंगलों में उसकी तस्दीक की जा रही है। वाहन चालक और वाहन पकड़ा? अभी नहीं पकड़ा गया, जल्दी हम उसको पकड़ लेंगे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।